बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर में पंजाब का एक बीजेपी लीडर हुआ गिरफ्तार और दूसरी खबर में पकड़ा गया बीजेपी नेता का लड़का ड्रग्स के साथ। जानिए पूरा मामला। पहली खबर आ रही है बीजेपी के लीडर सुखविंदर सिंह सरा के बारे में, जिन्होंने एक शादीशुदा जोड़े के घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। इस जोड़े को पुलिस की प्रोटेक्शन पहले से ही हासिल थी, जिसमें लड़का मुसलमान था और लड़की हिंदू थी। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। सुखविंदर सिंह सरा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और लड़के पर मोहब्बत जिहाद का नाम लेकर हमला किया। लड़की ने सुखविंदर सिंह सरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भटिंडा के SSP नानक सिंह ने बताया, सुखविंदर सिंह सरा कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरा रहता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत सख्त विजिंग ग्रुप्स और शिवसेना और हिंदू एकता मंच ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और SSP नानक सिंह का पुतला जलाया और सुखविंदर सिंह सरा की फौरन रिहाई की मांग की है और धमकी भी दी है कि लड़की को वापस अपने घर नहीं भेजा गया तो हम धरने करेंगे। दूसरा मामला सामने आया है बीजेपी के लीडर जगमोहन लाल के बेटे का, जो ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। बीजेपी लीडर जगमोहन लाल कुमार, जो अंबाला जिले के प्रधान हैं, उनका बेटा अमित कुमार अपने साथी के साथ हीरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को अदालत में पेशी हुई, जहां से उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स और पड़ाव पुलिस ने बीते रोज सूचना के आधार पर शास्त्री नगर कट के पास नाका लगाकर VIP नंबर वाली होंडा सिटी कार में सवार बीजेपी लीडर जगमोहन लाल के बेटे को उनके दूसरे साथी के साथ पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अमित कुमार का ये ड्रग्स तस्करी का पहला मामला नहीं है। पहले भी अमित कुमार को डेरा बस्सी पुलिस हेरोइन तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी बार नशा तस्करी के में पकड़े जाने पर अब उनके किसी गिरोह से तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। बीजेपी लीडर जगमोहन लाल के बेटे की नशा तस्करी में गिरफ्तारी होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। पूर्व विधायक जसबीर मल्लौर ने कहा कि सरकार की मिली भगत से हीरोइन तस्करी का खेल चल रहा है। पहले भी बीजेपी नेता सतविंदर राणा इस खेल में पकड़े गए थे, अब बीजेपी के प्रधान का बेटा पकड़ा गया। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द